तो मैट्रेस बनाने के लिए ये फैब्रिक मैंने लिया है, इसकी जगह आप पुरानी साड़ी, दुपट्टे, पुरानी बेडशीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो फैब्रिक है हम इसको इस तरह से खोल लेंगे, ये हमने फोल्ड करके रखा हुआ है। तो फोल्ड करने के बाद 49 इंच हमने इसकी लेंथ ली है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा पीस भी ले सकते हैं, जितनी भी साइज का आपको मैट्रेस बनाना है। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करके रखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारी उल्टी वाली साइड है। तो अभी हमें क्या करना है, इस तरह से उल्टी साइड बाहर की साइड कर लेंगे और इस तरह से हम इसको फोल्ड करके रखेंगे। तो बस इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके रख लिया है। तो ये सीधी साइड हमने अंदर की साइड रखा हुआ है। तो अभी हमें सिलाई लगानी है इसमें। तो इस तरह से हम यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे इसमें, और ऊपर वाली साइड हमारी खुली वाली साइड ही रहेगी। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से दोनों कॉर्नर्स को इस तरह से हम पकड़ लेंगे और बस इस तरह से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसमें सिलाई लगाई है। ऊपर वाली साइड हमारी ओपन वाली साइड है। तो अब यहीं से हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो बस अच्छे से हमने इसको सीधा कर लिया है, ये हमारी ओपन वाली साइड है। तो अभी हमें मार्किंग करनी है। तो ऊपर से लेंगे हम 8 इंच, इस तरह से हम 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। अभी इन निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे और एक थिक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है बस उसी के ऊपर हमें इंच टेप को रखना है और 16.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। तो अभी हमें 16.5 इंच पे फिर से निशान लगाना है। तो अब इन निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे और एक थिक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो फिर से हमें जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसी के ऊपर इंच टेप को रखना है और 16.5 इंच पे फिर से हम निशान लगा लेंगे। अभी निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। तो अभी जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसी के ऊपर इंच टेप को रखेंगे और आप देख सकते हैं 16.5 इंच का ये बॉक्स हमारा बनके रेडी हो गया है। इसी तरह के ये 3 बॉक्स हमने बना के रेडी किए हैं 16.5 इंच के। और जो ऊपर का है बॉक्स वो हमारा 8 इंच का है। तो इस तरह से हमारे 4 बॉक्स हमने बना के तैयार कर लिए हैं। अभी इन लाइनों पर हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से सीधे सीधे सिलाई लगा लेंगे।
तरह से सीधे सीधे सिलाई लगा ली है। तो इस तरह से ये 4 बॉक्सेस हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। इस तरह से अच्छे से मैं आपको दिखा देती हूँ इनको, तो आप देख सकते हैं इस तरह के 4 बॉक्सेस हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो अब इन सभी बॉक्सेस को हम 1 बाय 1 फिल करेंगे, तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी हमारे पास वेस्ट कपड़े हैं उन सबको हम इनमें फिल कर देंगे। तो अगर आपके पास वेस्ट कपड़े नहीं है तो आप पुराने कॉटन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर फॉर्म वगैरह का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम 1 बाय 1 कपड़ों को इसमें फिल करते जाएंगे। तो फर्स्ट बॉक्स हमारा फिल हो चुका है, इसी तरह से हमें बाकी के बॉक्सेस को भी फिल करना है। तो आप देख सकते हैं सारे बॉक्सेस को हमने फिल कर लिया है, अच्छे से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं अच्छे से हमने दबा दबा के इनको फिल किया है। तो अभी ये ओपन साइड आप देख रहे हैं, इसको भी हमें सिलाई लगा के फिनिश करना है। तो सुई और धागे की मदद से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो जो ओपन वाली साइड है इसमें मैंने पहले से ही सिलाई लगाई हुई थी, तो मैं इसको अंदर की साइड फोल्ड नहीं करूंगी, बस इस तरह से सीधे सीधे पकड़ते हुए इसमें सिलाई लगा लूंगी। तो इस तरह से हम छोटे छोटे टक्स लगाते जाएंगे। तो यहाँ तक हमने इसमें सिलाई लगा ली है, बाकी बचे हुए में भी हम इसी तरह से सिलाई लगा के इसको फिनिश कर लेंगे। तो पूरे में सिलाई लगाने के बाद अभी हम धागे को कट कर देंगे। तो फाइनली पूरे में सिलाई लग चुकी है और आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमने इसमें सिलाई लगा के इसको रेडी कर लिया है। छोटे छोटे टक्स लगाने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं लगाने हैं ताकि ये खुले नहीं। तो अच्छे से हमने इसमें सिलाई लगा ली है और फाइनल लुक आप देख सकते हैं हमारा जो मैट्रेस है वो बनकर रेडी हो गया है। तो बस इस तरह से हमारे वेस्ट कपड़े भी काम आ गए हैं और कितना प्यारा सा मैट्रेस हमारा घर में ही बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आप भी इसको घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो वेस्ट कपड़ों को इस्तेमाल करने का ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग सी वीडियोज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।